गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी बजना है सुबह के 6 एंड मैंने एडिटिंग कंप्लीट कर लिया है एंड अंकिता ने भी क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, झाड़ू मार दिया। अरे तब तक मैंने उसको बोला है कि वीडियो का एडिटिंग जो मैंने किया उसको ग्रीन सिग्नल दे दे, रिव्यू दे दे तेरा। सो वी बोथ आर फाइटिंग के ऊपर का पंखा जो गंदा दिख रहा है वो कौन साफ करेगा। तो व्हाट आई टोल्ड हर कि मैं साफ करता हूं, नॉट फाइटिंग। तो मैं ही कर रही हूं साफ, वो तू बीच में आके मैं कर रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वी बोथ आर फाइटिंग हियर, वी बोथ आर इन अ डिस्कशन कि ये पंखा कौन साफ करेगा। व्हाट, वेट, मुझे बोल दे। कौन साफ करेगा? नहीं, अंकिता ही साफ कर रही है। नो नो नथिंग, वेट, लेट मी स्पीक। तुम लोग बोलने नहीं देते, गलती इन लोग की यही है कि मीत और ये दोनों मुझे बोलने नहीं देते। कैमरा पे ज्यादा कौन बोलता है? Whatever, जब ये डिस्कशन रहता तभी तुम लोग दोनों ही बोलते, मुझे बोलने नहीं देते। तो अभी तू मुझे नहीं बोलने, तू ही बोलता है कि मैं बोलती कम हूं, तो अभी मैं बोल रही हूं ना। Wait, let me speak. So, अभी मैंने उसको क्या एडवाइस दिया, मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, मैंने उसको एडवाइस दिया था कि तू एडिटिंग देख ले, रिव्यू दे दे तेरा कि बराबर है कि नहीं। 11-12 मिनट का वीडियो है तो तब तक देखेगी, तब तक फैन क्लीन हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक गाइस, कि कौन करेक्ट है? आई नो दे विल से करेक्ट मैं हूँ, क्योंकि दोनों का टाइम इन्वेस्ट प्रॉपरली हो। वो एडिटिंग देख ले 12-15 मिनट में, तब तक वो हो जाएगा एंड मैं तब तक ये कर लूँ, तो दोनों का साइमल्टेनियसली हो जाए और उसके बाद नाश्ता करके सो जाए। तो गाइस आई वांट द डिस्कशन। तो अभी मैं फैन क्लीन करूँगा एंड द मेन वाइल अंकिता जो मैं एडिटिंग किया उसका रिव्यू देखेगी। कुछ भी प्रॉपर नहीं रहेगा वो अंकिता एडिट कर देंगी वो पार्ट। सो अलॉन्ग विद लिविंग रूम के फैन मैंने किचन के फैन को भी क्लीन कर दिया, सो आई एम वेरी गुड हस्बैंड, करेक्ट अंकिता? अच्छा सुना क्या बोला? मैं क्या बोल रही हूँ, देख तेरे को बहुत पसीना हो रहा है, बहुत पसीना, मुझे तेरे पे दया आ रही, तो फैन लगाऊँ क्या मैं तेरे लिए? अभी देखो इतना केयर कर रही हूँ मैं उसके लिए और ये देख मुझे बाहर निकाल दिया। सो बाहर आए हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए और इसे छाता नहीं लिया, उसके वजह से 15-20 मिनट हम लोग को एक शॉप के नीचे खड़ा वेट करना पड़ा। मैंने तुझे बोला था याद रखने के लिए, कुछ बोला नहीं था, झूठा इंसान नहीं है, तू झूठी है, डोंट लाय ऑन कैमरा, वो टाड़ा। सो हम लोग अभी एटीएम के बाहर खड़े हैं कैश विड्रॉ करने के लिए, तो सामने का दृश्य देख के मुझे एक जोक आ रहा है। फर्स्ट लेट मी शो ऑल, देन उसके बाद मैं जोक मारता हूँ। तो अंकिता ने ना बोला फ्लिप कैमरा करके वो साइड का फ्रेम दिखाने के लिए, बिकॉज प्राइवेसी मैटर्स। एग्जैक्टली, क्यों किसी को तंग करना अपने वजह से। हाँ, सो दैट्स व्हाई वो विंडो पे सब लोग खड़े और बाहर देख रहे, क्योंकि बारिश हो रही थी अभी। तो उसको क्या बोलते मालूम है, विंडो शॉपिंग, क्योंकि सामने शॉपिंग करने का मतलब मार्केट है एंड दे आर सीइंग फ्रॉम विंडो, तो विंडो शॉपिंग हुआ ना। कुछ भी, इसको बोलते दिमाग, सेंस ऑफ ह्यूमर, दैट्स अ फैक्ट। सिर्फ दो दिन शेड्यूल में सोए, उसके बाद वापस शेड्यूल के ऐसे के तैसे। यस, अभी बजे रात के 9:07, देख नहीं रहा है ना, 9:07 हुए अभी, मैं जाके उठा सब इसके वजह से, जस्ट शेड्यूल के ऐसे की तैसी कर दी, इसलिए तेरे वजह से मैं दोपहर में 3 बजे सोया। तो मैं कौन सा ज़्यादा जल्दी सोई थी, तो उसके वजह शेड्यूल के उठ गई, ये नहीं उठा, तो ये इसकी गलती है कि मेरी गलती है? अभी ब्रश भी नहीं किया। सो रेडी होते हैं एंड माइट भी वानी को मिलने जाएंगे, तो फटाफट रेडी होके। तो बाहर जाने से पहले नींद खोलना जरूरी है, मेरी नहीं इसकी, ये तेरी नहीं। सो चीयर्स टू 9 o'clock वाली कॉफी। तू नहीं बोला कॉफी पीने के लिए, अभी इसकी तो नींद खोलनी चाहिए। और तेरी? बस मेरी नींद खुली है, मैं कब से जाग रही हूं। हां, सो व्हाट, ठीक है, दोनों को पीने के लिए, मेरा अपने का नाम मत दो। मैं अकेले नहीं पीती, इसके साथ ही पीती, उसको मालूम है। हां, वी बोथ डू द सेम। तो फिर वानी का फोन आया था मुझे आज की, दीदी प्लीज कम, प्लीज आओ ना, आ जाओ ना, मैं न्यू गेम लाई हूं, प्लीज प्लीज। तो उसको मैंने बोला मैं नहीं आ रही हूँ, तो बोली ठीक है फिर उदास हो गई। हाय गाइस, आज मेरी दीदी स्टॉप बटन ही नहीं है, चालू हो गया। वाली मियां वाली देखी चीज खाएंगे भागी। अरे अरे, हाँ? दादी से देना, उन्होंने मम्मी
खुशी तो अटैक को लेने बैठती थी अने वो मम्मी जोड़े बात करती थी बिलाड़ी चुप के थी चीज खाने जाती रही बिलाड़ी सो सो आनी हम लोग जाए अभी सब स्टोरी बोल दिया हम लोग जाए अभी घर पे नहीं तो तुमने तो सब स्टोरी बोल दिया नहीं जाते हम लोग बाय वाइन लेट्स गो बाय वी आर गोइंग होम ये मेरे मॉडल आ गए हैं तो मेरे पास नई हेयरस्टाइल है हाँ मुझे मालूम था इसलिए मैं रबर्स भी लेके आया हूँ थैंक यू सो मच सो बोलते थे वानी व्हाट यू आर सेइंग आईज क्लोज बट व्हाट यू आर सेइंग आईज क्लोज क्या है रोटी शॉप मत चलो रोटी शॉप पास्ता पास्ता नहीं है इन्हें ये नूडल्स है ये वाओ नूडल्स तुमने बोला रोटी शॉप है क्यों नूडल्स खिला है अभी आज क्लोज कर सेकंड सरप्राइज हां सेकंड सरप्राइज अकेला क्या हो गया खेलते खेलते गुड मैनर्स गुड हैबिट्स वानी जय श्री कृष्ण परेड चलो परेड कमाल अंकिता क्या हो गया वानी चीटिंग किया वानी है चीटिंग चीटिंग किया वानी अरे हम लोग ने चीटिंग किया वानी ने चीटिंग किया चीटर सो इन लोग का मस्ती हो गया और वानी एंड अंकिता का स्टडी टाइम है एंड मेरा ग्रूमिंग टाइम अभी हेयर स्टाइल में बदलाव मिलेंगे एंड वानी व्हाट आर यू डूइंग स्टडी से स्टडी टाइम अल्फाबेट्स एंड नंबर प्ले एंड स्टडी से प्ले एंड स्टडी So guys, here is the final outcome. मुझे तो अच्छा लग रहा है loved it. So मुझे अच्छा लगता है अलग अलग हेयर स्टाइल डिफरेंट हेयर स्टाइल कैरी करने के लिए और इसे अच्छा लगता है एज ए मुझे मॉडल यूज करने के लिए अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे या नेक्स्ट वीकेंड या प्रॉब्ली कमिंग वीक में दूसरे टाइप के हेयर स्टाइल ट्राई करेंगे यस यस इवन दिस इज लुकिंग गुड लास्ट टाइम वाला तो वो डोप था 10 अलग अलग फ्लिक्स व्हाट मीन्स ब्रीड हाँ वो रखा था एंड दिस टाइम ऑल्सो ये टाइम भी अच्छा है मस्त लग रहा है आपके पास कुछ आइडिया हो तो फॉर श्योर आई विल डू इट मुझे शूट कर रही है सो अभी हम लोग जा रहे वेयर वानी वी आर गोइंग आउटसाइड फॉर बाइक राइड मैं अभी है ना मैं अभी बाहर जा रही हूँ
अरे यार वानी सो मेनी बॉटल्स इस फेक वाली को इसको निकाल इसको लुच्ची लुच्ची मेरा व्लॉग में और इसको भी लगा इसको इसको ये पापा दीदी को दे इस अक्षय भाई को देगा डोर वाम कर ओके डोर ये डोर का आवाज आ रहा है ना डोर में थी आवाज आ रही थी ए बूम डोर में से नहीं वानी कर रही है एक घंटी ओके नहीं नहीं डोर में से आ रहे वानी में से नहीं डोर में से आ रहे थैंक यू जय श्री कृष्ण वानी वानी वेयर आर वी गोइंग आज मैं अभी मैं स्कूल में जा रही बाय वानी हम लोग नहीं आ रहे आप आ रहे हो तो तुम तो अकेले चले गए सो हम लोग बाइक राइड से जा रहे थे ये छुटकू को राउंड मराने के लिए तो ग्रीन सिग्नल हुआ तो वानी क्या करने का ग्रीन सिग्नल आएगा तो जाने का रेड आएगा तो फिर रुक जाने का यस स्टॉप ना रेड मतलब एंड व्हाट अबाउट येलो येलो आएगा तो धीरे-धीरे जा यस गुड गर्ल वाओ गिव हाई फाइव So guys, that's it for the day. Hope you enjoyed today's vlog. If yes, then hit the like button. और subscribe करें हमारे channel को and hit the bell icon. तो आप तक video सबसे पहले पहुँचे. And meet you all in the next one. Till then, keep supporting, keep spreading love and keep watching our channel. क्या ये क्या check कर रही हूँ? गरम लगा मुझे लगा क्या? अबे काट रही है